मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनता दर्शन हॉल में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत आंचल बद्री गाय घी, पहाड़ी घी, ऑर्गेनिक घी, पनीर, डेयरी ग्रोथ सेंटर और दुग्ध उत्पादक सेवा केंद्रों का ई लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों को दुग्ध उत्पादों से निर्मित पौष्टिक आहार का वितरण किया। उन्होंने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों की मजबूती के लिए और प्रयास करने होंगे। दूध और उससे बनने वाले उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के साथ ही हमें अन्य लोगों को भी अपने साथ रोजगार से जोड़ना होगा। वोकल फॉर लोकल को उत्तराखंड के अंदर भी हम साकार करना चाहते हैं, करना चाहिए और उसको हम कर रहे हैं। रोजगार मैंने कहा है, इससे रोजगार देने का भी काम और आपके द्वारा सहकारी समितियों के द्वारा, आपकी डेयरियों के द्वारा नीचे तक जाए पहुंचाए। डेयरी विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि दुग्ध उत्पादन स्वरोजगार का बड़ा माध्यम है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे विभाग, डेयरी विभाग ने एक प्रयास किया है, अभिनव प्रयास किया है कि हम घी के, दूध के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हम लोग उत्पादित करते हैं, लेकिन घी को लेकर जो लोगों में आज भी इसकी पौष्टिकता, शुद्धता, पवित्रता को लेकर भाव है, उसके वेरिएशन हमारे पास में उपलब्ध नहीं थे। आज वेरिएशन के रूप में हम लोग घी को लेकर आए हैं। आज हमारे पास में बद्री घी है, आंचल घी पहले से ही चल रहा है, हमारे पास पहाड़ी घी है, हमारे पास आज ऑर्गेनिक घी है। तो उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है जहाँ बद्री गाय का इंडिजीनियस गाय का प्योर घी आपको दे रहा है।